सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धारं नमो आयरियाणं नमो उवाच्छायाणं नमो लोए सब्बिसाहूनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रदानं सर्व धर्मानां प्रधानं सर्व धर्मानां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं मंगले में मंगले करन बीते राग बेज्ञान नमो ताहि जाते वहे अरहंता दि महान करी मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो पगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोच उपाय यह ही मोच उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामा जी उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति मोचमार प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है और 9 अधिकारों के माध्यम से मोक्ष की मार्ग को सरल भाषा में सरल तरीके से हमको समझा रहा है, ऐसा ही अद्भुत ग्रंथ अनुपम कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें आचार्य कर पंडित श्री टोडामा जी हमको संसार अवस्था का स्वरूप बता रहे हैं कि संसार अवस्था का स्वरूप क्या है, कि संसार अवस्था वास्तव में क्या है, कि संसार अवस्था से क्या लेना और वास्तव में संसार अवस्था क्या चीज है। क्योंकि अभी हमको ये भरोसा ही नहीं है कि अभी हम संसार अवस्था में हैं, अभी हमको लगता ही नहीं है, क्योंकि अभी हम पर वस्तुओं में पर द्रव्यों में उन्हें कोई अपना माना हुआ है हमने, हमको अपने खुद का भरोसा ही नहीं है कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। तो उन सारे चीजों का भरोसा दिलाने के लिए, उन सारे चीजों की प्रतीति कराने के लिए पंडित टोडामा जी इस दूसरे अधिकार के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुमको ये कर्म बंधन रूपी रोग है और तुम संसार अवस्था में हो और उस रोग के निमित्त से तुमको ऐसी ऐसी अवस्थाएं हो रही हैं। इन सब चीजों को हमें पंडित टोडामा जी दूसरे अधिकार के माध्यम से बता रहे हैं। तो इस प्रकार हमने अभी तक ये देखा कि एक तो अनादि से हमको बंद है, कि जो बंद हुआ है कर्म का बंद वो कोई नया नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले आत्मा शुद्ध हो और बाद में ये कर्म से जुड़कर अस्वभाव रूप या विभाव रूप परिणमित हो गया हो, कि वो अनादि से ही विभाव रूप परिणमित होता आ रहा है। तो ऐसी उसकी बात है कि अनादि से ही भ्रमण करता आ रहा है, अनादि से विभाव रूप होता आ रहा है। तो एक तो अनादि से व्यवस्था है, अनादि से विभाव रूप होता आ रहा है, तो सब कुछ कर्म ही कह रहे हैं क्या कि नहीं ये जीव कर्म बांध रहा है। अनादि से तो हुए जो हुए, लेकिन अभी ये जीव कर्म बांध रहा है और उन कर्मों को जीव कैसे बांध रहा है उसका हमें कारण जानना चाह रहे हैं कि वो जो कर्म बंध रहे हैं हमारे प्रति समय, उन कर्म के बंध का कारण क्या है। तो उन कर्म के बंध का कारण हम जानना चाह रहे हैं। तो
उसमें हमने नवीन बंध विचार पर हमारा विचार चल रहा है कि उसमें पंडित टोडरमल जी ने बताया कि आठों कर्मों में से मात्र एक मोहिनीय कर्म ही ऐसा है जो हमारे नए कर्म बंध का कारण है। तो ये मोहिनीय कर्म ही, बाकी सात कर्म हमको नए कर्म का बंध नहीं कराते। वो बाकी के जो सात कर्म है, तो सात कर्मों का क्या कारण फिर उनका, कि वास्तव में सात कर्म बंध नहीं कराते, लेकिन सात कर्मों के उदय के काल में जब हम मोहिनीय से जुड़ते हैं, ममत्व भाव से जुड़ते हैं, मिथ्या भाव से जुड़ते हैं, तो वो भी बंध के कारण हो जाते हैं। वास्तव में बंध का कारण तो वहां कौन है, मोहिनीय ही है, वो बाकी के सात कर्म बंध के कारण नहीं है। इसलिए हमको छोड़ना क्या है, सबसे पहले मोहिनीय को छोड़ो, मिथ्या भाव को छोड़ो, मिथ्या रूप परिणमन को छोड़ो, अपनी बुद्धि को यथार्थ करो, मिथ्या रूप परिणमन करना छोड़ दो, सम्यक रूप परिणमन करो, तो कर्म का बंध होना रुक जाए। तो उस पर हमारी चर्चा चल रही है कि वास्तव में नए कर्म का बंध कैसे होता है। अब जो बंध है वो चार तरह के होते हैं, प्रकृति बंध, विदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इन चार विधों का वर्णन आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी गोमट साग कर्मकांड में 89 नंबर की गाथा में किया। उन्होंने वहां पर इन चार कर्मों को बताया, इन चार बंधों का प्रकार भी बताया और वो बंध कैसे होता है वो भी बताया। उसमें वहां गाथा है 89 नंबर की, पयडिडेटी अनुभाग देश बंधोति चदुबिहो बंधो कस्मनु कस्म जहनम जहनग चिमती पुदम की पयडी इष्टी, पयडी यानी प्रकृति बंध, इष्टी माने स्थिति बंध, अनुभाग यानी अनुभाग बंध और देश बंधोति यानी देश बंध यानी विदेश बंध। इस तरह बंध के चार भेद हैं और उनके भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य इस तरह के चार चार भेद बनते हैं कि उत्कृष्ट क्या है और जघन्य क्या है और उत्कृष्ट और जघन्य के बीच का अनुत्कृष्ट है और जघन्य को छोड़ के बाकी सारा क्या है अजन्य अजघन्य है और उत्कृष्ट को छोड़ के बाकी सारा अनुत्कृष्ट है। इस प्रकार के उनके चार भेद है, उस पर डिटेल में नहीं जाना हमको। तो ये जो बंध है वो कैसे रहा है कि शरीर नाम कर्म के उदय से और योग के निमित्त से जो कारमान वर्गना है उन कारमान वर्गनाओं में जो पुद्गल स्कंद है जिनमें कर्म रूप होने की शक्ति है। मैं देखो पुद्गल स्कंद तो बहुत सारे हैं, लेकिन पुद्गल स्कंद में कर्म रूप होने की जो शक्ति है उनको कहते हैं कारमान वर्गना है। तो वो जो कारमान वर्गना है वो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप होकर आत्मा के प्रदेशों के साथ जुड़ती हैं, उसको कहते हैं बंद हो गया, इसको कहते हैं प्रकृति बंध। प्रकृति बंध का मीनिंग क्या है कि जो कर्म की मूल और उत्तर प्रकृति हैं, उनका यथा योग्य जीव के साथ संबंध हो जाना उसका नाम है प्रकृति बंध। कि जैसे ज्ञानावरण है तो जो कर्म है उनका ज्ञानावरण रूप परिणमित हो जाना वो है ज्ञानावरण रूपी प्रकृति बंध, और ज्ञानावान में भी मति ज्ञानावान रूप हो जाना, शुद्ध ज्ञानावान रूप हो जाना, अवधि मैंने पढ़ी है केवल ज्ञानावान रूप हो जाना, वो उसकी उत्तर प्रकृति है, लेकिन है तो क्या प्रकृति बंध ही है, तो उसको कहते हैं प्रकृति बंध। और प्रदेशन किसको कहते हैं कि जो प्रकृति रूप परिणमित हुए हैं पुद्गल परमाणु या तो कारमान वर्गना है, जो प्रकृति रूप परिणमित हुई है उनका प्रमाण कितना है, उनका प्रदेश कितना है, उनका क्षेत्र कितना है, उसको कहते हैं हम प्रदेश बंध। और जो प्रकृति बनी है वो जीव के साथ कब तक रहेंगी उसको कहते हैं स्थिति बंध, और वो प्रकृति कैसा फल देंगी उसको कहते हैं अनुभाग बंध। अभी हम चारों बंधों की चर्चा करेंगे अभी ये दो दिन के अंदर अंदर, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। जैसे हम इनको एग्जाम्पल से समझें, यदि प्रकृति बंध प्रदेश बंध क्या होता है, तो जैसे मान लो आम है, तो आम मीठा होता है ये है आम की प्रकृति, और आम के प्रदेश क्या है कि जितने एरिया में वो आम है या जितने उसमें पुद्गल स्कंद है वो सारे क्या है उसके प्रदेश हैं, और आम की स्थिति क्या है कि वो कितने दिन तक रहेगा, मीन दो दिन तीन दिन चलेगा, खराब हो जाएगा बाद में फिर वो, तो जितने दिन वो रहेगा जितनी उसकी स्थिति है, तीन दिन चार दिन पांच दिन जितनी भी है जितने समय भी चल सकता है, तो वो है उसकी स्थिति। और वो कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है, कैसा कितना मीठापन दे रहा है,
वो है हमारा फल। तो मीठा उसकी प्रकृति है, उसका वो जैसे ज्ञानवान है, तो ज्ञानवान तो प्रकृति हो गई, लेकिन अब वो ज्ञान हमको कम प्रकट है कि ज्यादा प्रकट है, वो उसका अनुभव हो गया कि वो कितना फल दे रहा है, कि हमको ज्ञान का स्वरूप कम है कि ज्यादा है, वो उसका हो गया अनुभव। तो इस प्रकार से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभावन बनते हैं। तो प्रकृति, स्थिति, अनुभावन बनते हैं, तो उन पे हम विचार कर रहे हैं कि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभव कैसे बनते हैं। तो उसमें पंडित जी कह रहे हैं कि योग के निमित्त से तो प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं, कि योग के निमित्त से स्थिति अनुभव नहीं होती। और देखो वास्तव में यदि विचार करें तो हम ये कहते हैं कि कर्मों का आगमन योग के माध्यम से होता है, लेकिन कर्मों का आगमन को योग के माध्यम से होता है, बात बराबर है, बात सही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन यदि हम नवीन कर्मों की बात करें कि जो कर्म आ रहे हैं हमारे प्रति समय, वो कर्म किससे आ रहे हैं, तो वो कर्म योग से नहीं आ रहे, वो कर्म आ रहे हैं मोहिनी के कारण। क्यों? यदि मोहिनी चला जाए, जैसे अरिहंत परमेष्टि है, तो अरिहंत परमेष्टि ने चार घातीय कर्मों का नाश कर दिया, तो उनके संसार शेष नहीं बचा, उनकी संसार बचा नहीं है, उनके भवन ही बचे हैं, अब उनके कोई नया कर्म बंद नहीं हो रहा है, लेकिन अभी उनको योग बाकी है, अभी उनके योग है, अभी उनके योग निवृत्त नहीं किया उन्होंने, अभी अभी उनका योग है। तो योग के कारण आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना हो रहा है, उसके कारण वो कुछ कर्म आ रहे हैं, लेकिन वो कर्म आ रहे हैं और जा रहे हैं, तुरंत की तुरंत रुक ही नहीं रहे, ऐसी अवस्था है, लेकिन आ रहे हैं। इसका मीन्स है कि वास्तव में तो कर्मों का आगमन मोहिनी के कारण ही होता है, योग के द्वारा नहीं होता, कि योग के द्वारा ही सारे कर्मों का आगमन होता हो तो भी होना चाहिए, योग तो उनके भी बाकी है, लेकिन उन्होंने घातक कर्मों का नाश कर दिया, मीन्स उनके भव बाकी नहीं बचा, उनका संसार बाकी नहीं बचा, कुछ ही समय में वो अब संसार से पार होने वाले हैं, मुक्त अवस्था को पाने वाले हैं। तो इसलिए वास्तव में जो प्रकृति प्रदेश है, इसलिए ताकतवर नहीं है। अब ये बात आएगी आगे, बात को आगे लेंगे कि वास्तव में स्थिति अनुभाग बंदी ताकतवर है, प्रकृति प्रदेश तो क्या स्थिति बनी नहीं रही, वहां पर स्थिति नहीं बन रही, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये अवस्था हो जाती है। और स्थिति अनुभाग में क्या बनेगी, कितने समय तक रहेगी, कितनी स्थिति बनेगी, उन सब चीजों का विचार करें। जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन इनका जो बंद होता है, स्थिति बंद होता है, वो होता है 30 कोड़ा कोड़ी सागर का, 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक हो सकता है, ऐसा नहीं इतना ही होता है, ये उसकी उत्कृष्ट काल है, इतने काल तक हो सकता है, मीन्स हमको 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक यदि हमने ज्ञानवान कर्म बांध लिया ऐसा, तो हमको 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में रहना ही पड़ेगा, उससे पहले जाने की व्यवस्था नहीं बनेगी। फिर ये तुमने वो कर्म बांध लिया, जैसे मोहिनी है कि मोहिनी कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और कोड़ा कोड़ी का क्या अर्थ, कोड़ा कोड़ी यानी 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, तो जो संख्या आएगी उतने सागर, देखो 1 करोड़ × 1 करोड़, उसमें 70 का मल्टीप्लाई करो तो 70 कोड़ा कोड़ी, और इतना काल सागरों में, और सागर का काल कितना होता है वो मैंने बताया था एक बार सुबह की क्लास में, या इस क्लास में बताया था कि सागर का काल कितना होता है, उसकी हम कल्पना ही कर सकते, ये सागर का काल हमारे लिए कल्पनातीत है। तो ये इनकी स्थिति तो बन रही है कर्मों की, जैसे आयु की भी 33 सागर बन सकती है, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी बन सकती है, वेदनीय की 30 कोड़ा कोड़ी बन सकती है, तो इतने समय तक वो कर्म हमारे साथ रह सकता है, यदि हम एक बार कर्म बांधने पर दोबारा बांधा तो दोबारा बढ़ जाएगा उसका काल। जैसे अभी हमने कोई मोहिनी कर्म बांधा जो हम प्रति समय बांध ही रहे हैं, तो हो सकता है कि 70 कोड़ा कोड़ी का बन जाए, और फिर अगले समय जो बांधा वो 70 कोड़ा कोड़ी का दोबारा बन जाए, वो आगे 70 कोड़ा कोड़ी तक, और 70 कोड़ा कोड़ी तक चलेगा वो आगे, उसका और एक समय आगे तक मान लो। तो ऐसा नहीं है कि एक समय का जो कर्म है वो 70 कोड़ा कोड़ी का बन सकता है। जैसे हम बात करें 5 पांडवों की बात करें, जैसे हम तो 5 पांडवों में जैसे नकुल और सहदेव थे, है ना, तो जब उनपे गर्म आभूषण पहनाए गए, उनको लोहे, तब तो लोहे के आभूषण पहनाए गए, अग्नि से बिल्कुल
जिसको कहते हैं रेड हॉट, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में रेड हॉट रीजन, ऐसे रेड हॉट कहके उसको उस आभूषणों को पहनाया गया उन पांचों मुनिराजों को जब वो अपने ध्यान में लीन थे। उस समय नकुल सहदेव को विचार आया, ये विचार नहीं आया कि मेरे भाई कैसे चेहरे होंगे या मुझे जलन हो रही है, ऐसा विचार नहीं आया। उनको विचार आया कि ये जो मुनिराज बैठे हैं इन मुनिराजों को कैसी वेदना हो रही होगी, ये मुनिराज कैसे सहन कर रहे होंगे, ये विचार आया। और इस विचार से कहां तो मोच जाने वाले थे पांचों ही पांचों पांडव, और उन दो को ऐसा विचार आ गया, इतने विचार मात्र से उन्होंने कुछ किया नहीं कि भाई आभूषण हटा दिए हो, कुछ किया हो, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये विचार आया कि ये मुनिराज इस वेदना को कैसे सह रहे होंगे। इतने विचार मात्र से उनको 33 सागर की आयु बन गई, सर्वसिद्धि चले गए। अब 33 सागर तक उनको संसार की जेल में रहना ही पड़ेगा, उसको टालने में कोई समझ नहीं है। तो इस प्रकार हम इसलिए हमको प्रति समय हमारे परिणामों का हमको ख्याल रहना चाहिए कि हमको पता नहीं चलता हम कैसे कैसे परिणाम, कितने कितने काल के परिणाम बांध रहे हैं, हम कितने कितने काल तक दुखी रहने वाले हैं उन परिणामों से, इसका हमको विवेक नहीं रहता। इसकी चर्चा हम विस्तार से स्थिति और अनुभव बंध में करेंगे। अभी हमारी बात चल रही है कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंधों का क्या है, है ना। तो जो प्रकृति बंध है, प्रकृति बंध का क्या मीन्स है कि जो तो प्रकृतियां हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतरा वेदनी आयु नाम गोत्र, ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, अंतरा के 5, मोहिनी की 28, नाम कर्म की 93, वेदनी की 2, आयु की 4, इस प्रकार से जो है गोत्र कर्म की 2, इस प्रकार से जो 148 प्रकृतियां हैं वो सारी क्या है, प्रकृति बंध है। कि वो किस प्रकृति रूप बन रही है, हमने जो परिणाम किए वो परिणाम किस किस प्रकृति रूप हो रहे हैं, उसका नाम है प्रकृति बंध। और वो कितना कितना प्रमाण लिए हुए हैं, कितना कितना प्रदेश लिए हुए हैं, उसका नाम है प्रदेश बंध, है ना। तो सारी प्रकृतियों का विचार कर लेना कि वो सारी प्रकृति जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सारी प्रकृति और प्रदेश बंध कि कितने कितने प्रमाण में, कितने क्षेत्र में, कितने प्रदेशों में वो परमाणु बंधा है, उसको कहते हैं प्रदेश बंध। और कौन कौन सी प्रकृति बंधी है उसको कहते हैं प्रकृति बंध। अभी हमको प्रकृति बंध स्थिति और प्रदेश बंध समझना है, स्थिति अनुभव हम आगे समझेंगे। तो ये हमारी प्रकृति और प्रदेश बंध है जो कि योग के माध्यम से, नाम कर्म के निमित्त से, योग के माध्यम से हो रहे हैं। तो ऐसी वो प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति और प्रदेश बंध की। तो उस समय बात चल रही थी कि जो हमने कर्म परमाणु ग्रहण किए एक समय में, एक समय में कितना ग्रहण करते हैं हम, एक समय प्रबद्ध मात्र बोलते हैं उसको कि एक समय में कितने परमाणु ग्रहण कर सकते हैं हम, है ना। सिद्ध राशि का अनंतमा भाग है वैसे तो वो, लेकिन है वो काफी, इस समय में कितने परमाणु ग्रहण कर लेते हैं कर्म परमाणु। ऐसा नहीं कि एक या दो परमाणु ग्रहण करते हैं हम, अनंत परमाणुओं को ग्रहण करते हैं इस समय में, अनंत परमाणुओं को, कि अनंत का अनंतमा भाग भी अनंत ही होता है, है ना। इन्फिनिटी जो होती है, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी में इन्फिनिटी का भाग दो तो इन्फिनिटी आंसर आता है। तो सिद्ध राशि अनंत है, उस अनंत का अनंतमा भाग भी कैसा अनंत है, मीन्स हम एक समय में अनंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते हैं। और वो जो पुद्गल परमाणु हमने ग्रहण किए वो किस किस प्रकृति रूप जाएंगे, किस प्रकृति के कौन सी उत्तर प्रकृति में कितने जाएंगे, वो सारा बंटवारा अपने आप हो जाता है, उस बंटवारे को करता नहीं है। इसमें कहा जैन सिद्धांत, जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा होता है। तो सिद्धांत कौन सा है वो भी आएगा आगे, 2-3 4-5 दिन की क्लास के बाद आएगा शायद, तो उसको वहां समझेंगे हम। आप उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत ईजी वे समझ में आएगा आपको, अच्छा एग्जाम्पल दिया है वहां पर, उसको वहीं पर चर्चा में लेंगे। तो मूल प्रकृतियों उत्तर प्रकृतियों का जैसे बंटवारा कहा वैसे बंटवारा हो जाता है अपने आप, उस बंटवारे के अनुसार परमाणु प्रकृतियों रूप सेम ही परिणमित होते हैं, उनको कोई परिणमित करता नहीं है, उनको परिणमित करने नहीं जाता कि कोई उनको परिणमित करने जा रहा हो। विशेष इतना कि योग दो प्रकार का है, एक शुभ योग है और एक अशुभ योग है। कि एक तो तुम्हारे आत्मा के प्रदेश में संचरपना शुभ परिणाम रूप हो रहा है, क्या शुभ परिणाम रूप हो रहा है, शुभ परिणाम रूप हो रहा है तो उसको शुभ योग कहेंगे, और अशुभ परिणाम रूप हो रहा है तो उसको कहेंगे अशुभ योग। तो वह धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है। देखो पहले कहा ना मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम योग है, कि जो मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है
जो मन वचन काय का परिणमन हो रहा है, जो मन वचन काय के प्रदेशों का चंचल पना हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही है। जैसे हम कुछ विचारते हैं मन में, तो मन में जब हम कुछ विचारते हैं, कुछ चलता है मन में, मन में कुछ चलता है, हमारे जो विचार चलते हैं मन में, तो उसमें मन के जो प्रदेश है हमारे, उनमें कंपन बना होता है, उनमें मूवमेंट होती है। ऐसे जब हम कुछ करते हैं या जब हम कुछ जब हम बोलते हैं, तो हमारे होठ हिलते हैं, जीव की मूवमेंट होती है, होठों की मूवमेंट होती है, माउथ की मूवमेंट होती है। तो जो मूवमेंट हो रही है वो क्या है, उस वचन के प्रदेश है, जो उन प्रदेशों का चंचलपना है। और जब हम कुछ करते हैं तो हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, चल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो बॉडी की मूवमेंट हो रही है उसको कहेंगे शरीर के प्रदेशों का संचरपना। और जहां शरीर के प्रदेश है, वही आत्मा के प्रदेश है। कि शरीर और आत्मा पहले पढ़ के आए हैं अभी, कि जो कर्म है वो कर्म और जीव का एक क्षेत्र का संबंध है। मीन जिस क्षेत्र में जीव है उसी क्षेत्र में कर्म है अभी, है ना। जैसे जलवा दूध मिले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जल कहीं अलग पड़ा हुआ है, दूध कहीं अलग पड़ा हुआ है उसमें, कि जहां जल है वहीं दूध है। कहते हैं कि दूध के प्रदेश अलग हो, कर्म के प्रदेश अलग हो, कि जिस प्रदेश में जल है उसी प्रदेश में दूध है, ऐसा रहते हुए अलग है। तो ऐसे ही ये जीव और शरीर, इनके प्रदेश भी एक रूप है, कि जिस प्रदेश पर जीव का प्रदेश है उसी, जिस प्रदेश पर आत्म प्रदेश है उसी पर ये पुद्गल का प्रदेश है, उसी पर ये जीव का शरीर का प्रदेश है। तो जब शरीर के प्रदेशों की मूवमेंट होती है, तो उसके साथ में आत्म प्रदेशों की भी मूवमेंट होती है। और वो आत्म प्रदेशों की मूवमेंट से, वो चंचलपने से, उस कंपन होने से ये प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। तो यदि हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति धर्म के अंगों में होगी, धर्म के कार्यों में होगी, यदि हमारा विचार धर्म रूप होगा, यदि हमारे वचन धर्म रूप होंगे, यदि हमारे शरीर की प्रवृत्ति धर्म रूप होगी, तो जो योग बनेगा वो कैसा होगा, शुभ योग होगा। जो चंचलपना होगा वो भी कैसा होगा, चंचलपना शुभ होगा। उस मूवमेंट को भी अच्छी कहेंगे, है ना। देखो संसार बने की अपेक्षा अच्छी नहीं कहेंगे, लेकिन शुभ और जैसे पुण्य और पाप है, तो पाप की अपेक्षा पुण्य को अच्छा कहेंगे, लेकिन मोक्ष की अपेक्षा या शुद्ध भाव की अपेक्षा उस शुभ भाव को भी हे ही कहेंगे। वैसे शुभ योग भी हे है, लेकिन अशुभ योग की अपेक्षा तो ठीक है। अशुभ योग जब तक, जैसे कहा ना कि लोहे की बेड़ी में बंधना और सोने की बेड़ी में बंधना, अच्छा कुंद कुंद ने लिया, जो लोह बेड़ी भांति त्यों स्वर्ण की भी भांति, उस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी भांति। पुण्य पाप अधिकार में गाथा लिया, चाहे कुंद कुंद ने समेसा परमागम में। तो जो हमारे प्रदेशों का मूवमेंट धर्म की क्रियाओं में, धर्म के धर्म रूपी वचनों में या धर्म के विचार में लगा हुआ है, वो मूवमेंट कैसी हमारी शुभ है, तो उससे जो योग होगा वो कैसा होगा, शुभ योग होगा। और यदि अधर्म के अंगों में, विषय कषायों में, भोगों में, बाकी जितनी भी अधर्म की चीजें हैं, उन सारी चीजों में जो हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी, तो वो मन वचन काय की प्रवृत्ति, वो मन वचन काय के प्रदेशों का मूवमेंट वो कैसा होगा, अशुभ रूप होगा। तो जो योग होगा वो भी कैसा होगा, अशुभ योग होगा। तो वहां देखो फिर आगे कह रहे हैं कि शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक्त प्राप्ति किए बिना घातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है। क्योंकि योग है हमारा, वो शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, लेकिन जब तक हमने सम्य दशा प्राप्त नहीं किया, जब तक हमने मोहिनी का नाश नहीं किया, तब तक उन घातिया कर्मों की तो सारी प्रकृतियां, और घातिया कर्म की प्रकृति कैसी है, सारी पाप रूप है। पाप रूप से मीनिंग क्या है, कि वो परिणाम तुम्हारे कैसे भी हो, शुभ रूप या अशुभ रूप, जब तक सम्यक्त प्राप्त नहीं होगा, तब तक तो घातिया कर्मों की सारी प्रकृतियों का बंध होता ही रहेगा। अघाती कर्मों में व्यवस्था अलग हो अलग रहती है, घातिया कर्मों की व्यवस्था तो यही है भाई, कि चाहे तुम्हारा योग शुभ हो चाहे अशुभ हो, घातिया कर्मों की तो प्रकृति यथावत रूप से सारी की सारी बनती रहेंगी। किसी समय किसी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता, कि एक भी समय ऐसा नहीं तो किसी एक प्रकृति का बंध ना हो, कि प्रत्येक समय प्रत्येक प्रकृति का बंध हो रहा है,
ज्ञानावरण का भी हो रहा है, दर्शनावरण का भी हो रहा है, मोहिनी का भी हो रहा है, अंतराय का भी हो रहा है। घाती कर्मों की बात करेंगे अभी हम आगे, अभी घातीय कर्मों की बात कर रहे हैं। तो घातीय कर्मों की प्रत्येक प्रकृति या उत्तर प्रकृति सबका बंद हो रहा है। ज्ञानावरण की पांच उत्तर प्रकृतियां हैं तो पांचों का बंद हो रहा है, दर्शनावरण की नौ प्रकृतियां हैं तो नौ का नौ बंद हो रहा है। कि किसी भी समय किसी भी प्रकृति का बंद हुए बिना नहीं रहता, कि प्रत्येक समय प्रत्येक प्रकृति का बंद हो ही रहा है, उसको होने से कोई रोक नहीं सकता। और रोकने की सामर्थ्य किसमें है? रोकने की सामर्थ्य एकमात्र सम्यक दर्शन में है। इसलिए तो इसलिए सम्यक दर्शन ही महिमा के गुण गाए हैं। यथा यथा तदा आगम में जहां देखो वहां सम्यक की वर्णन सम्यक का वर्णन किया। सम्यक दर्शन कैसे ग्रहण कर सकते हो? तो सम्यक दर्शन का नाम क्या? सम्यक रूप जानने का नाम सम्यक दर्शन है और उसी का नाम समता भाव है। इसलिए तो कहते हैं समता भाव का विचार करो प्रति समय, प्रति समय समता भाव रखो। समता भाव रखोगे तो सम्यक दर्शन रूप सम्यक दर्शन की प्राप्तता जल्दी पकेगी। या हम कहें कि सम्यक दर्शन की तुम अधिकारी हो, ये तुम समता भाव दे रहे हो, कर्मोदय का विचार कर रहे हो, तत्व का विचार कर रहे हो, तो तुम सम्यक दर्शन के अधिकारी हो, नहीं तो तुम सम्यक दर्शन पाने के अधिकारी ही नहीं हो। यदि आप श्रावक योग्य क्रिया नहीं निभा रहे हो, यदि आप श्रावक पद के योग्य क्रिया नहीं कर रहे हो, तो तुम उस मुनि दीक्षा के अधिकारी नहीं हो, तुम मुनिराज पद के अधिकारी नहीं हो। कि तुम जिस भूमिका में हो पर उस भूमिका के योग्य परिणाम तो करो, उस भूमिका के योग्य परिणाम करोगे, उस भूमिका के योग्य प्रवर्तोगे, तो हम कह सकते हैं कि तुम अगली भूमिका के योग्य हो, अगली भूमिका का पाने का तुमको अधिकार है। लेकिन तुम हो ही नहीं। कि जैसे किसी राजा के दो बेटा हैं, दो राजकुमार हैं, अब उन दो राजकुमारों में से जो राजकुमार के योग्य क्रिया करे, कि जो राजकुमार के योग्य सारी विद्याएं सीखे, युद्ध आदि में कुशल हो, राज्य आदि चलाने में कुशल हो, राज्य कैसे चलाया जाता है ये भी सीखे, सब कुछ सीखेगा, तो हम कहेंगे कि ये राजा होने का अधिकारी है, इसको राजा होना चाहिए, इसको राजा होने का अधिकार है, दूसरे राजकुमार को राजा होने का अधिकार नहीं है। वैसे ही यदि हम भी तत्व विचार करें, समता भाव धरें, कर्म को देखा विचार करें, तो कहा जाएगा कि तुम सम्यक दर्शन पाने के अधिकारी हो। लेकिन तुम कर ही नहीं रहे हो तो तुम सम्यक दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हो। अब राजकुमार ये कह के बैठ जाए कि मैं सीख रहा हूं फिर भी मुझे राजा नहीं बना रहे, कि भाई तुम राजा बनने के अधिकारी हो, समय आने पर तुम ही राजा बनोगे। तो वैसे ही हम समता भाव धरें, कर्म को देखा विचार करें, तत्व विचार करें, तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन पाने का तुमको अधिकार मिल गया तो तुम सम्यक दर्शन पा लोगे। आज नहीं तो अगले भवमें पा लोगे, आज नहीं तो आज से हो सकता है कि इसी भवमें कभी पा लो, या अगले भवमें पा लो, या दो भव्वा बात पा लो, लेकिन पात्रता तुम्हें पक गई, तुम्हें अधिकार, तुम अधिकारी हो गए उसके। यदि तुम ऐसे भाव धारण कर रहे हो तो अधिकार, यदि भाव ही नहीं कर रहे हो तो भी तुम अधिकारी नहीं हो उस चीज के, है ना। तो इसी समय यहां कहा कि किसी समय किसी भी प्रकृति का बंद हुए बिना नहीं रहता, प्रत्येक समय प्रत्येक घातीय कर्म की सारी प्रकृतियों का बंद होता है। तो क्या कोई प्रकृति ऐसी है घातिया में कि जिनका बंद नहीं होता हो प्रत्येक समय? तो हाँ, ऐसी भी है, मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं कुछ जिनका प्रत्येक समय बंद नहीं होता। ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं? तो देखो उसको आगे बता रहे हैं, कितना विशेष है कि मोहिनी के हास्य शोक युगल में, रति अरति युगल में और तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंद होता है। कि जो चरित्र मोहिनी की नौ प्रकृतियां हैं शेष, नौ कषाय हैं जिनको नौ कषाय बोलते हैं, नौ कषाय मतलब नौ नहीं, नौ का मतलब नैन वाला नौ नहीं, नौ, नौ का मतलब है किंचित या थोड़ी सी अल्प कषाय है, वो जैसी क्रोधमान माया लोग वैसी कषाय नहीं है लेकिन कषाय है, उनको भी कषाय भाव में लिया है, इसलिए उसकी 25 प्रकृतियां होती हैं मोहिनी की, चरित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां होती हैं, कि अनंतानुबंधी की चार, अप्रत्यखानावरण की चार, प्रत्यखानावरण की चार, संजरण की चार, ऐसे 4×4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16 कषाय हुई, और उसके अलावा 9 कषाय ये, इस प्रकार से चरित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां बनती हैं। तो जो चरित्र मोहिनी की 9 कषाय हैं, 9 कषाय हैं, वो कौन कौन सी है? हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, भय और तीन वेद,
इस प्रकार से नौ कषाय हैं। तो उसमें जो हास्य और शोक है, तो हास्य और शोक क्या अपोजिट है दूसरे से, कि या तो हास्य ही होगा या फिर शोक ही होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो एक समय में इन दोनों में से एक प्रकृति बनेगी, इतना है। क्या तो हास्य की बनेगी या शोक की बनेगी। और रति और अरति की, रति और अरति कैसे है, रति का अर्थ है कि कोई वस्तु इष्ट लगना, कोई वस्तु अच्छी लगना, और अरति का अर्थ है कि कोई वस्तु अनिष्ट लगना, कोई वस्तु में अरति भाव होना। तो ये तो इष्ट लगना अनिष्ट लगना, एक बार में एक वस्तु एक ही लगेगी, या तो इष्ट लगेगी अनिष्ट लगेगी, तो या तो रति भाव होगा या अरति भाव होगा, तो इन दोनों में से एक प्रकृति बनेगी। और जो तीन वेद हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, तो तुम जिस रूप भाव करोगे, ये तुम पुरुष वेद के अकॉर्डिंग भाव करोगे या स्त्री वेद के अनुसार भाव करोगे या नपुंसक वेद के भाव करोगे, तो जिस वेद के भाव करोगे उस समय आपको उसी वेद रूप प्रकृति का बंध होगा, वही प्रकृति बनेगी। जैसे आपने मनुष्य पुरुष प्रकृति के भाव किए, पुरुष वेद वाले भाव किए, कि जिस भाव से पुरुष वेद का बंध होता है, तो पुरुष वेद बंधेगा उस समय, स्त्री वेद या नपुंसक वेद नहीं बंधेगा। तो इस प्रकार ये जो तीन और दो पांच और दो सात, इन सात प्रकृतियों में से तीन प्रकृतियां बनती हैं एक बार में, इतना है। बाकी सबका सब बनता है, ज्ञानावान का सब बंधेगा, दशनावान का सब बंधेगा, अंतराय का सब बंधेगा, और मोहिनीय का भी सब बंधेगा, इन सात प्रकृतियों में से तीन को छोड़ के, मीन नौ कषाय को छोड़ के। जो दशम मोहिनी की तीन प्रकृतियां उनका भी बंध है, और जो चरित्र मोहिनी की प्रकृतियां हैं, तो चरित्र मोहिनी की जो प्रकृतियां हो रही हैं, वो चरित्र मोहिनी की प्रकृतियां ही प्रतिशाएं बन रही हैं, अंतर्बंदी की चारों, अप्रत्यखनावरण की चारों, प्रत्यखनावरण की चारों, संजरण की चारों। सिर्फ ये जो नौ कषाय हैं, इन नौ कषायों में से हास्य शोक में से एक बंधेगी, रति आरति में से एक बंधेगी, और तीनों वेद में से एक बंधेगी, इतना है बस। और अघाती कर्मों की क्या व्यवस्था है, कि अघाती कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, और अशुभ योग होने पर असाता वेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। कि यदि तुम्हारे परिणाम, यदि तुम्हारा योग शुभ है, यदि तुम्हारे मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ रूप है, यदि तुम्हारे मन वचन काय की प्रवृत्ति धर्म के अंगों में है, धर्म के कार्यों में है, धर्म रूपी वचन निकल रहे हैं, धर्म के कार्य हो रहे हैं, धर्म का विचार हो रहा है, तो तुम्हारा जो योग है वो कैसा, शुभ योग है। और उस शुभ योग के काल में वेदनीय में से साता वेदनीय बनेगी, साता वेदनीय बनेगी, तो उस समय साता वेदनीय की प्रकृति बनेगी, और अशुभ योग होने पर असाता वेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। और सब लगा लेना, साता वेदनीय में हमने वेदनीय में देखा, वेदनीय में साता बनेगी या असाता बनेगी, शुभ योग होगा तो साता बनेगी, अशुभ योग होगा तो असाता बनेगी। ऐसे गोत्र क्रम में लगा लेना कि शुभ योग होगा तो उच्च गोत्र, उच्च गोत्र की प्रकृति बनेगी, और यदि अशुभ योग होगा तो नीच गोत्र की प्रकृति बनेगी। तो वैसे नाम क्रम में जो शुभ प्रकृतियां हैं वो बनेंगी शुभ योग के काल में, और अशुभ प्रकृतियां हैं 93 में से, यदि तुम्हारा योग अशुभ है तो अशुभ प्रकृतियां बनेंगी। आयु में भी जो शुभ आयु है, जो आयु अच्छी है ना, तो जो अच्छी आयु में तीन आयु को गिना गया है, मनुष्य आयु को, तिरंच आयु को, देव आयु को, तो वो आयु बनेंगी। और यदि अशुभ योग है तो नरक की आयु बनेगी, नरक निगोद की आयु बनेगी। तो इस प्रकार से नरक निगोद की आयु बनेगी, मीन्स शुभ योग होने पर पुण्य प्रकृति बनेंगी, और अशुभ योग होने पर पाप प्रकृतियां बनेंगी, और मिश्र योग होने पर कितनी पुण्य प्रकृतियों का और कितनी पाप प्रकृतियों का बंध होता है। कि जब मिश्र योग हो, मिश्र योग का क्या मीनिंग है, कि जो हमारी प्रवृत्ति है मन वचन काय की, वो थोड़ी धर्म रूप है और थोड़ी अधर्म रूप है। अभी थोड़ी धर्म रूप और थोड़ी अधर्म रूप कैसे होगी, कि हमने जैसे मान लो दया के परिणाम किए, है ना, जैसे अभी मान लो कि अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, कि बहुत सारे सेवा समूह जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको खाना पहुंचा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उनका उनके प्रति क्या है, एक करुणा का भाव है, एक दया का भाव है। तो जो करुणा का भाव है वो थोड़ा शुभ रूप है, थोड़ा शुभ रूप है, लेकिन तुम साथ में उनको रात में खाना दे रहे हो, या खाने में कंदमूल दे रहे हो, या अवच्छे दे रहे हो, तो तुम अधर्म भी कर रहे हो, तुम्हारी प्रवृत्ति अधर्म रूप भी हो रही है।
तो उस समय तुम्हारा योग कैसा? मिश्र योग है। तो उस समय तुम्हारी कुछ पुण्य प्रकृतियां बनेंगी और बहुत सारी पाप प्रकृतियां बनेंगी, तो ऐसा मिश्र योग बनता है। तो इस प्रकार योग से निमित्त से कर्मों का आगमन होता है। किस प्रकार? योग के निमित्त से कर्मों का आगमन हो रहा है ना? तो कर्मों का आगमन योग से हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मोहिनी से ही हो रहा है, योग से नहीं हो रहा है ना? कि योग से तो कहने में आ रहा है कि वास्तव में वो बंद तो किससे हो रहा है? मोहिनी के कारण हो रहा है। तो कर्मों का जो आगमन हो रहा है वो किससे हो रहा है? मोहिनी से हो रहा है। तो इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है कि जब जैसा योग हो तब वैसा कर्म बनता है। इसलिए योग है वह आश्रम है। आश्रम का क्या अर्थ है? कर्मों का आना। यदि शॉर्ट में कहें कि कर्मों के आने को आश्रम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा छेडालाजी में भी आश्रम का आया है, और उसी में एग्जांपल दिया हुआ है नाव का, कि नाव में जैसे होल हो गया तो होल के थ्रू पानी का आना, उस पानी के आने को कहते हैं आश्रम। वैसे ही योग के माध्यम से कर्मों का आना, उसको कहेंगे आश्रम। तो योग क्या हो गया? आश्रम हो गया। और उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। कि देखो जो उनकी प्रकृतियां, वो तो क्या है? प्रदेश। वो तो क्या है? प्रकृति। और जो कर्म परमाणु है, कि कितने कर्म परमाणु ग्रहण किए, कि जो अनंत किए, उस अनंत की भी संख्या है, अनंत भी है कुछ, है ना? कि अनंत में ऐसा नहीं कि अनंत में भी अनंत ही हो, अनंत में भी एक तुमने, जैसे मान लो हम अनंत का मतलब ये मान लें, जैसे मान लो अनंत का मतलब हम माने कि 100 है, है ना? कि 100 को यदि मान लें अनंत माने, सपोज करो, तो 99 को भी हम 100 के बराबर ही मानेंगे, वो भी क्या अनंत जैसा है। 99 भी अनंत जैसा है और 101 भी अनंत जैसा ही है। 99, 100, 101 में कोई अंतर नहीं है। 100 की संख्या में यहां अंतर लग रहा है हमको 99, 100 और 101 में, लेकिन ऐसा अनंत में कहे तो अनंत में भी बहुत सारे भेद बनते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनंत में बहुत सारे भेद हैं। या भी जैसे 99 आपको ऐसा लग रहा है, तो जैसे 100 है, 100 को अनंत कहें तो 99.99 या 100.00001 या 99.999999 ये भी क्या है? 100 ही है। तो वैसे ही उसमें बहुत सारे भेद बन जाते हैं। 99.9 से लेके 100.1 यहां तक भी अनंत भेद बनेंगे। 99.91, 99.91, 92 इस प्रकार के बहुत सारे भेद बनेंगे उसमें। तो इस प्रकार अनंत में बहुत सारे भेद बनते हैं। तो तुम्हें तुमने जितने कर्म परमाणु ग्रहण किए हैं, तो जितने कर्म परमाणु तुमने ग्रहण किए उनको हम बोलेंगे क्या? प्रदेश। इतने प्रदेश बंधे हैं उसमें, तो इतना उसमें क्या है? प्रदेश बंध है। तो इस प्रकार से वो प्रकृति प्रदेश बंध बनते हैं कि जो कर्म परमाणु ग्रहण किए उनमें कौन किस प्रकृति रूप हो रहा है उसको प्रकृति बंध कहते हैं, और कितने परमाणु ग्रहण कर रहे हैं, कितने प्रदेशों को लिए हुए हैं वो, उसको हम कहते हैं प्रदेश बंध। इस प्रकार से प्रकृति और प्रदेश बंध की व्यवस्था बनती है। इस प्रकार से वो प्रकृति प्रदेश बंध उसमें बंध रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं कि इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रम है तथा तो उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणु का नाम प्रदेश है। उनका बंध हुआ और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ, इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंध तथा प्रकृति बंध का होना जानना। कितने कर्म परमाणु ग्रहण किए वो प्रदेश बंध, और किस प्रकृति रूप परिणमित हुए वो प्रकृति बंध। इस प्रकार से प्रकृति प्रदेश बंध का जानना। अब प्रकृति प्रदेश बंध कितना कार्यकारी है, क्या प्रकृति प्रदेश बंध हमको संसार में घुमाता है कि नहीं घुमाता है, इस पर भी हम बात करेंगे कल, कि प्रकृति प्रदेश बंध को दुखी कर रहा है कि दुखी होने का कुछ और कारण है। देखो नया कर्म दुख का कारण है ये तो हमने जाना, अब नए कर्म बंध में भी बंध चार प्रकार का हो रहा है, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, इन चारों में से भी हमारे दुख का कारण कौन सा है, क्यों है और कैसे है, उस पर हम कल विचार करेंगे और साथ में स्थिति अनुभाग बंध को भी समझेंगे। किसी को कहीं कोई शंका हो तो आप यहाँ पर
ग्रुप में कहीं भी पूछ सकते हैं, तो उसका समाधान कर दिया जाएगा आपको क्लास में ही। इस प्रकार अभी की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आप सब इस प्रकार विचार करते हुए कर्मबंध ना हो उस रूप विचार करें कि हमको कर्मबंध कैसे नहीं हो, हम क्या करें कि हमको कर्म का बंध ना हो। क्योंकि कर्म का पंडित जी ने कहा ना कि समस्त जीवों को दुख का मूल कारण कर्म बंधन ही है। तो देखो कर्म बंधन ऐसा, जैसे सुबह की क्लास में भी लिया कि ऐसा नहीं कि तुम विचार करोगे तो कर्म का बंध नहीं होगा। अभी तुम विचार करोगे तो वो कर्म का बंध शुभ रूप होगा, और शुभ रूप होगा तो तुमको आगे ऐसे कारण बनेंगे कि तुम्हारा कल्याण हो जाए जल्दी। कल्याण जब होगा जब ही होगा, लेकिन तुम्हारे कारण ज्यादा बनेंगे, तुम्हारे चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो चांसेस ज्यादा करना है कि चांसेस ना के बराबर रखना है। तो इसलिए कर्मबंध ना करें कि अभी हमारे परिणाम शुभ रूप रहेंगे, अभी हमारे परिणाम ऐसा शुद्ध उपयोग रूप नहीं होंगे, लेकिन हम जैसे परिणामों को अशुभ से हटाते जाएंगे शुभ रूप लाएंगे, तो शुभ रूप आते आते वो परिणाम शुद्ध रूप भी हो जाएंगे। तत्व चिंतन करते करते जब तत्व की महिमा आएगी, शुद्धात्म स्वरूप की महिमा आ जाएगी हमें, तो हमारे परिणाम भी शुद्ध उपयोग रूप भी हो जाएंगे। इस प्रकार हम शुद्धांत तत्व का चिंतन करें, तत्व विचार करें, समता भाव को धरें, कर्मोदय का विचार करें। इस प्रकार विचार करते हुए हम अपने मुच्छ के मार्ग को प्रशस्त करें, इसी मंगल भावना के साथ।